दोस्तों आर्ट कई तरीके के होते हैं, जैसे पेंट आर्ट, नेल आर्ट, एक्ट आर्टिस्ट, उसी तरीके से सेंड आर्ट भी होते हैं। आज हम घूमते घूमते राजस्थान के पुष्कर में आ गए थे और यहाँ पर अजय जी रावत सर काफ़ी प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं जो मिट्टी पर आर्ट बनाते हैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, सर ने 21 फीट की हाइट वाली एक महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा बनाई थी जो मरुस्थल में बनाई जाती है, मरुस्थल की मिट्टी से बनती है। सर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। और आपको मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम अजय रावत है और मैं पुष्कर का निवासी हूँ जी। पास में मेरा गाँव है गनाहेड़ा और आज से लगभग 10 से 12 साल पहले मैंने इस सेंड आर्ट को यहाँ रेतीले टीलों में खेलते खेलते स्टार्ट किया था जी। और अभी मैं काफ़ी इस क्षेत्र में काम करते हुए कर रहा हूँ और आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। इसमें मुझे काफ़ी सफलता भी मिली है, मेरे साथ लोग भी जुड़ रहे हैं और नए कलाकार भी जुड़ रहे हैं और राजस्थान में इस कला को जी बढ़ावा मिले, ऐसा मेरा प्रयास है, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ जी। तो सर जैसे मिट्टी, इसके लिए मिट्टी इकट्ठी करके उसको हाथों से उसके ऊपर मूर्तियाँ, अलग अलग स्कल्पचर आप बना लेते हैं। हाँ जी। तो सर कैसे कर लेते हैं ये? इसका प्रोसेस होता है जी, सबसे पहले मिट्टी को इकट्ठा करना होता है जी, उसके बाद में उसमें पानी डालना होता है। पानी डालने के बाद जब मिट्टी गीली हो जाती है, उसके बाद में जो भी सेंड आर्ट हमें बनाना होता है, जो भी शेप हमें देना होता है स्कल्पचर, उसका एनाटॉमी हम बनाते हैं। एनाटॉमी बनाने के हाथ से वो बन जाता है पूरा। उसके बाद हमारे पास कुछ छोटे छोटे टूल्स होते हैं, उस टूल्स के द्वारा हम अलग अलग डिटेल्स देते हैं जी। सर इसके लिए मिट्टी कौन सी सफिशियंट होती है? इसके लिए सबसे बेहतर मिट्टी जो होती है, बेस्ट जो मानी जाती है, वो दो जगह पाई जाती है, एक तो समुद्र बीच के ऊपर जी और एक रेगिस्तान में जी। क्योंकि यहाँ बीच नहीं है तो हमारे रेगिस्तान सफिशियंट है जी, तो हम रेगिस्तान की मिट्टी से ये काम कर रहे हैं जी। जी जी दोस्तों आप देख सकते हैं सर ने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत महाराणा प्रताप जी की एक प्रतिमा बनाई थी। सर इसको बनाने में आपको कितना समय लगा था? यह क्योंकि बड़ी कलाकृति है तो इसको मुझे बनाने में 5 से 6 दिन का समय लगा था और इसको 21 फीट हाइट थी इसकी जमीन से टॉप पूरा जी। और क्योंकि इसको मैंने फरवरी में बनाया था, उसके बाद फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल भरी आंधियाँ चलती है, हवाएं चलती है, उससे ये डैमेज हो गई पूरी तरह से जी। अभी बस बारिश आई है तो वापस नए तरीके से स्टार्ट करेंगे इसको। जी 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 सर इस तरीके का आर्ट बनाने के लिए सबसे पहले मिट्टी इकट्ठी की जाती है, उसके बाद उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है जी, जी। और सर उसके बाद इसको जो शेप देना होता है, वो टूल्स के नाम क्या होते हैं सर? टूल्स सिंपल से जो हमारे मकान में जो मिस्त्री, मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है, उसके पास जो करनी होती है, फ्लेटर होता है, स्पून्स, चम्मच जैसे कुछ टूल्स होते हैं 2-3 जी, और ब्रश होते हैं, बस सिंपल टूल, अलग से कोई टूल्स नहीं होता इसका जी। जी जी और इसके अलावा कुछ टूल्स अपन अपने पर्पज़ के हिसाब से भी बनाते हैं। जब कई बार हमें लगता है कि यार मिट्टी में ये काम करना है तो ये टूल्स ज़्यादा ठीक रहेगा, तो वो टूल्स हम अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं, ब्लेड से काट के उसको कटिंग करके जी। जी 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 सर अगर इस तरीके का आर्ट कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है। अभी मैं, मेरा वर्कशॉप चल रहा है अजमेर में जी, रिसेंटली चल रहा है और इससे पहले भी कई वर्कशॉप मैंने किए हैं और आगे भी मैं करता रहूँगा। इसमें काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और मेरे पास जुड़े हुए हैं और लगातार मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं इस वर्कशॉप में। इसके बाद भी वो मेरे से जब जब उनको टाइम मिलेगा वो लेंगे, ताकि नए बच्चे, नए कलाकार तैयार हो सके और इस कला को एक विश्वव्यापी पहचान राजस्थान के दौरों से भी मिल सके जी। जी 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 जैसे सर आपने इनकी प्रतिमा बनाई थी, उसके अलावा भी आप कई जानवरों की, इंसानों की भी हूबहू आर्ट बना सकते हैं आप मिट्टी? बिल्कुल, इसमें बहुत आसान है यह बनाना, सेंड आर्ट बनाना ये एक खेल खेल में बनने वाली कलाकृति है, आर्ट है। क्योंकि जब बच्चे हम होते हैं तो हम सब मिट्टी में खेलते हैं जी, तब हमें पता नहीं होता कि हम कोई आर्ट बना रहे हैं, हम तो खेलते हैं जी। लेकिन हम बड़े होने के बाद ऐसा सोचते हैं कि ये आर्ट है, ये आर्ट तो है ही, लेकिन ये बहुत मज़े से होने वाली आर्ट है, इसमें खेलते खेलते कब आर्ट बन जाती है पता ही नहीं चलता है। जी 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 दोस्तों ये बात भी मैं आपको बता दूं कि सर काफ़ी सरल और सहज तरीके के व्यक्तित्व के हैं और ये बड़े शानदार तरीके से ये चीज़ें सिखाते भी हैं। सर और कुछ आप बताना चाहेंगे हमें? मैं यही बताना चाहूँगा कि दूसरी कलाओं के मुकाबले हमारे यहाँ सेंड आर्ट बहुत जल्दी विकसित हो सकती है, पहचान बन सकती है राजस्थान की, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी की कोई कमी नहीं है
और बारिश के समय में सफिशियंट पानी भी होता है जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सैंड आर्ट ऐसी है न सिर्फ राजस्थान में, जहाँ भी मिट्टी अवेलेबल है वहाँ बच्चे आसानी से कर सकते हैं, विशेष टूल्स की आवश्यकता नहीं होती है। जो बिगनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में जो बच्चे सीख रहे होते हैं, उनके लिए टूल्स की भी ज़रूरत नहीं होती, वो हाथ से ही महल बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, मिट्टी के लड्डू बना सकते हैं, ऐसी कई चीज़ें होती हैं, बर्ड्स बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं मिट्टी पर। तो इस तरह से वो अपनी शुरुआत कर सकते हैं, घर से ही सीख सकते हैं दोस्तों। यानी आपने सर के हाथ की स्क्रिप्चर्स कई तरीके कई बार सोशल मीडिया पर भी देखी होगी, तो सर आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की, आपने सीखा कैसे ये काम? जब मैं पढ़ रहा था स्कूल टाइम में जी, थोड़ा छोटा भी था उस टाइम, मैं ऐसे ही खेल रहा था मिट्टी पर जी। और कोई मुकुटा गणेश जी भगवान का बनाया था मैंने, यूँ कहे कि मेरी सैंड आर्ट का श्री गणेश वहीं से हुआ था। एक सबसे पहले मैंने एक गणेश जी भगवान का स्कल्पचर बनाया था, और अगले दिन गणेश चतुर्थी थी तो किसी मीडिया पर्सन ने उसको पब्लिश किया न्यूज़पेपर में, और बस उसी दिन मुझे लगा कि अपना पेपर में फ़ोटो छपा है, घर वालों को बहुत खुशी हुई थी जी, क्योंकि मैं भी एक साधारण किसान परिवार से ही हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ जी। तो उसके बाद मैंने इस पर वर्क करना शुरू किया, मुझे लगा कि इस पर अगर कुछ काम करेंगे तो आगे हमारा नाम भी होगा और एक कला को पहचान भी मिलेगी जी। दोस्तों हम आपको सर जो ट्रेनिंग कैंप में सिखाते हैं कि आर्ट कैसे बनाया जाता है वो भी चलिए अब देख लेते हैं। सर अगर कोई आपसे ये कला सीखना चाहे तो किस प्रकार से सीख सकता है? देखिए यहाँ मैं ऑफलाइन, जो बच्चे यहाँ के लोकल होते हैं, आसपास के होते हैं, वो तो मेरे ऑफलाइन मेरे वर्कशॉप में आते हैं जी। लेकिन जो दर्शक है आपके, जो लोग दूर से बैठे हैं इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इन्हें हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दीजिएगा, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप कब और कहाँ लगेगा, उसमें आप अटेंड कर सकते हैं, वरना ऑनलाइन भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और आप इसको आसानी से सीख भी सकते हैं जी। जी सर, इस कला को सीखने के बाद इनकम ऑफ सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या स्कोप होता है सर इसमें आगे जाने का? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि सैंड आर्ट में ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, आर्ट के साथ में आपका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। अभी इसकी बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है मार्केट में, आप अच्छे से इसको सीख सकते हैं। सीखने के बाद जो शादी ब्याह के इवेंट होते हैं उसमें आप सैंड आर्ट बना सकते हैं, उससे आपको इनकम होगी। साथ ही जो सैंड पेंटिंग हम यहाँ की मिट्टी की तैयार कर रहे हैं, आप दिन में 5 से 10 पेंटिंग्स तैयार कर सकते हैं घर पर बैठ के, और एक पेंटिंग कम से कम 500 रुपये से ऊपर बाजार में बिकने को तैयार होती है और आराम से बिक जाती है। तो इस तरह से आपको आसानी से बहुत अच्छा आप इससे इनकम कर सकते हैं जी। जी 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 दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में आपकी सलाह हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।